पोहरी के प्राचीन किले में बसा प्राचीन गणेश मंदिर लगभग 300 वर्ष पुराना है। पोहरी दुर्ग सिंधिया स्टेट के अंतर्गत आता था, जो समय के जागीरदार बालाबाई सितोले हुआ करती थी। उन्होंने 1737 में इस मंदिर का निर्माण कराया था। गणेश मंदिर को पहले से ही इच्छापूर्ण मंदिर माना जाता था। इस मंदिर में जो भी भक्त लोग नारियल रख कर जो मनोकामना मांगते हैं वो पूरी हो जाती है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में बसा होने के बाद भी यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। इस कारण देश के राज्य से भक्त आते ही हैं, तो वहीं विदेशों से भी भक्तों का यहाँ आना लगा रहता है। अब इस मंदिर की देखभाल खंडालकर परिवार के हाथ में है। खंडालकर परिवार के पूर्वज इस मंदिर की पूजा और देखभाल वर्षों से कर रहे हैं। अजय खंडालकर जो मंदिर के पुजारी हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो भी भक्त अपनी भक्ति और मन से गणेश जी के सामने मन्नत मांगकर नारियल रखता है, उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है। लोगों के द्वारा मन्नत पूरी होने के बाद भी मंदिर जी में आते हैं और बताते हैं कि हमने जो मन्नत मांगी थी वो इच्छा पूर्ति गणेश जी ने कर दी। यहाँ पर महाराष्ट्र, नासिक, बॉम्बे, पुणे, बैंगलोर, दिल्ली, ग्वालियर आदि जगह के भक्त तो आते ही हैं, साथ ही विदेश से भी इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा के साथ ही अन्य जगह के भक्त भी मनोकामना लेकर आते हैं। नारियल लखने से यहाँ पर लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती है। पौरी इच्छा पूर्ति गणेश मंदिर में स्थानीय लोगों की काफ़ी ज़्यादा मान्यताएँ हैं। बाहर से भी लोग यहाँ दर्शन करने और मनोकामना मांगने आते हैं। पौरी गणेश मंदिर की विशेषता है कि यहाँ पर कुंवारी लड़की शादी के लिए नारियल रख देती है तो उसकी शादी जल्दी हो जाती है। यदि किसी के बच्चे नहीं होते तो वो भी गणेश जी उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। जो भी भक्त गणेश मंदिर आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। इच्छा पूर्ण है पोहरी का गणेश मंदिर। जो भी आस्था से भगवान के दरबार पर मनोकामना मांगता है वो पूरी होती है। आस्था का केंद्र है भगवान गणेश का मंदिर, मेरी तो मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो बुधवार को लोग आते हैं, और वैसे तो पर्डे आते ही हैं लोग, और मेन तो नारियल रखते हैं, और नारियल रखने से सबकी इच्छाएं पूरी होती हैं, और नारियल रखने के बाद में जब इच्छा पूरी होती है तो यहाँ से नारियल रखते हैं और फिर नारियल फोड़ते हैं। और यहाँ से ही नहीं, मतलब बहुत दूर दूर से लोग बाग आते हैं, केवल यहीं से नहीं, विदेश से भी लोग बाग आते हैं। विदेश से भी लोग आते हैं, भी आते हैं। अभी दो दिन पहले ही अफ्रीका से भी कोई आया था यहाँ पे। मैं यहीं से स्थानीय निवासी हूँ, और अक्सर हम यहाँ बुधवार को गणेश जी महाराज के दर्शन करने आते हैं। गणेश चतुर्थी से यहाँ एक मेला का आयोजन भी किया जाता है। यहाँ परम हमारे परमात्मा गणेश जी महाराज के दर्शन करने के लिए महाराष्ट्र, कानपुर, नागपुर और ग्वालियर चंबल संभाग से तो सभी जगह से लोग यहाँ आते हैं, और काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है ये, और पौड़ी की शान है हम लोगों की। इस मंदिर की विशेषता है कि नारियल रखने से लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी इच्छा के लिए नारियल रखते जाते हैं, और बाद में उनका काम होने पर नारियल उठाने आते आना पड़ता है। कब इस मंदिर का निर्माण हुआ और किसने किया? 1737 में मंदिर का निर्माण हुआ, और माननीय राव सिसोले साहब उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। हाँ, क्या था? क्या जब बात की जा रही है, आप कह रहे हैं बहुत दूर दूर से, कहाँ से आते हैं? विदेश से आते हैं, अपने देशों से भी लोग आते हैं? बम्बई है, पुणे है, महाराष्ट्र से, शिवपुरी, जोधपुर, ग्वालियर, मुरैना। गणेश उत्सव में क्या महत्व रहता है विशेष रूप से यहाँ? गणेश उत्सव में 5-6 दिन का कार्यक्रम चलता है यहाँ, चतुर्थी से लेकर दशमी तक।